बिलासपुर नगर के परिधिगृह में शुक्रवार को बिलासपुर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कदावर नेता रामलाल ठाकुर ने प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। दर्शकों से कांग्रेस की सेवा कर रहे रामलाल ठाकुर इस वार्ता में इतने भावुक हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। सोशल मीडिया पर यह समाचार जंगल में आग की तरह फैल गया। रामलाल ठाकुर ने रूंधे गले से कहा कि कांग्रेस में अनुशासन समाप्त हो रहा है, हर कोई स्वयं को बतौर सीएम प्रोजेक्ट करने पर तुला है, जबकि वर्तमान समय कांग्रेस को एकजुट करने का है, लेकिन स्वार्थ परायणता इतनी हावी हो चुकी है कि व्यक्ति विशेष स्वयं को पार्टी से ऊपर समझ रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी की संस्कृति नहीं है। रामलाल ने कहा कि वे बिना किसी पद से कांग्रेस में रहकर सेवा करने के लिए तैयार है। रामलाल ने खुले मन से कहा कि वे छदम राजनीति से परहेज करते हैं तथा यदि हाईकमान नैना देवी जी विस क्षेत्र से किसी योग्य व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं तो शौक से बनाएं, वे इसका समर्थन ही नहीं बल्कि पूर्व साथ भी देंगे। उल्लेखनीय है कि रामलाल ठाकुर ने पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के करीबियों में शुमार होते थे, किंतु वीरभद्र सिंह के जाने के बाद हिमाचल कांग्रेस में इन्हें हाशिए से परे धकेलने की पूरी कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि करना चाह रहा हूं कि ये जो फ्यूल में जो है प्रेसिडेंट चला गया, प्रेसिडेंट जाने के बाद जो है वो नया प्रेसिडेंट आ गया, पुरानी कार्यकारिणी चली है उसको आपने कंटिन्यू करवा दिया, फिर उसके बाद जो है नया प्रेसिडेंट आ गया उसको कार्यकारिणी बनाने के लिए भी आपने वो नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, तो इसलिए मैं कोई इसमें रोड़ा नहीं मरना चाहता। मैं शुरू से जो है मैं AICC का मेंबर भी हूँ, सोनी जी का धन्यवाद कि मुझे उन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया। मैं वहीं पर काम करना चाहूँगा, लेकिन ये जो वाइस प्रेसिडेंट ये जम्बू जट बना है मैं इसमें मैं शामिल नहीं रहूँगा, और मैं सोनिया जी को और शुक्ला जी को और प्रदेश की जो हमारी अध्यक्षा है मैं उनको अपने वाइस प्रेसिडेंटशिप के पद से मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, और वो तुरंत मैं कहूँगा कि 2-3 दिनों में मैं ये जो है ना मैं भेजूंगा, और अगर हाईकमांड के ऊपर बात है कि भाई उन्होंने आगे क्या करना है, हमारे से एज ए पार्टी क्योंकि हम शुरू से उसमें रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि जो ड्यूटी सोनिया जी ने दी है मैं उस ड्यूटी को निभाऊंगा, और ये जो फ्यूल में जी चार चार मुख्यमंत्री बन गए, फलाना बन गए, ये भी शायद मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए जो है ना मैं तो हाईकमांड से कहूंगा कि भाई अगर पार्टी का हमारे से काम करवाना हम पार्टी का काम करेंगे, अगर हाईकमांड ये भी सोचे कि भाई नहीं जी MLA का इलेक्शन लड़ने के बाद फिर मैं भी उस लाइन में जो है ना मुख्यमंत्री की लाइन में खड़ा हुआ हूं, तो हाईकमांड अगर मुझे कहेगी तो मैं विधानसभा का जो विधानसभा का चुनाव है वो लड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम पार्टी में हैं तो पार्टी का काम करेंगे, वो लोग जो आते हैं जाते हैं कोई दूसरी जगह चला जाता है तो रामलाल ठाकुर उनसे नहीं है, जो हाई कमांड जो उत्तरदायित्व जो दिया है उसको निभाएंगे, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हाई कमांड देख के जो है वो पार्टी के टिकट दें कि कौन जीत सकता है और कौन जो है वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ के चल सकता है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा अगर मान लो हमारी जो वर्किंग कमेटी है या हमारी जो चुनाव के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि ठीक है कि MLA को कहा गया कि नहीं वो सारे चुनाव लड़ेंगे। आपका फैसला के लिए बिलासपुर से विजय कुमार की रिपोर्ट।